गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी चलो एक बार फिर से करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है एक बार देख लें। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, हैविंग सेम नेम ऑफ क्लास नेम, जिसका कि नाम जो होगा ऑलवेज वही होगा जो कि क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मेमोरी और फॉर ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइजिंग नॉन स्टेटिक डेटा मेंबर्स वैल्यू। इसमें जो भी आपका डेटा मेंबर होगा जो नॉन स्टेटिक होगा उसके लिए ये क्या करेगा, वैल्यू भी इनिशियलाइज करेगा। और मेनली इसका काम है क्या करना, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हैज नो एनी रिटर्न टाइप। इसके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। इट कैन बी पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज, मतलब इसमें आर्गुमेंट आप सेंड कर भी सकते हो और आर्गुमेंट आप सेंड नहीं भी कर सकते हो। तो आप कह सकते हो पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को बनाते हो। और लेकिन सी प्लस प्लस में एक कंट्राडिक्टरी चीज है जो कि आप याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख भी सकते हो, कि सी प्लस प्लस में हम मैनुअली भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा, ए क्लास मस्ट हैव वन कंस्ट्रक्टर, मतलब क्लास में कम से कम एक कंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए, चाहे वो तुम बनाओ या ऑटोमेटिकली बने, लेकिन एक कंस्ट्रक्टर मिनिमम क्लास में होगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है विदाउट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की मदद से ही ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, इन सी प्लस प्लस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो वो आप फोर भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप फोर भी लिख सकते हो। थ्री टाइप्स को आप क्या, कितने टाइप लिख सकते हो, फोर टाइप भी लिख सकते हो। वैसे एक्चुअली थ्री टाइप्स ही होता है लेकिन हम लिख सकते हैं इसको फोर टाइप भी होता है। फोर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कहता है व्हेन ए प्रोग्रामर नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर इनसाइड द क्लास देन इट इज क्रिएटेड बाय द कंपाइलर ऑटोमेटिकली। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बट इज नॉट विजिबल इन सोर्स कोड। मतलब देखो, यह याद रखना कि जो कंस्ट्रक्टर, अगर कोई कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामर नहीं बनाता है तो एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बनेगा जो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इसमें कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं होता है, इसीलिए ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन नॉन पैरामीटराइज से अलग है, क्योंकि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारी सेकेंड सेक्शन में आता है। यहाँ पर कहता है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर विदाउट एनी पैरामीटर और आर्गुमेंट लिस्ट। तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये अंतर है, दोनों लगभग सेम है लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब बनेगा और वो ऑटोमेटिकली बनेगा जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे। एक भी कंस्ट्रक्टर बना दिए तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है, लेकिन नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या है, अगर आप बनाते हो देन दैट इज कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद सी नंबर में आ जाओ। तो सी नंबर में हमारे पास जो है, सी नंबर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इट इज डिफाइंड विथ आर्गुमेंट लिस्ट। इट इज डिफाइंड विथ आर्गुमेंट लिस्ट। दिस कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड विथ सम इट इज डिफाइंड विथ आर्गुमेंट लिस्ट। ठीक है, ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है, और इस कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, आपके पास पैरामीटर लिस्ट होगा या आर्गुमेंट लिस्ट होगा। ठीक है, अगला है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगला जो है आपका वो क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। डी में आता है आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो देखो, इट इज ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही है और पैरामीटर लेता है। ठीक है, विथ सेम टाइप ऑब्जेक्ट रेफरेंस। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसका जो आपका रेफरेंस होगा, मतलब वो जो आर्गुमेंट आप पास करोगे वो होगा सेम टाइप का ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो भी रेफरेंस टाइप का। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर कब यूज होता है, जब आप चाहते हो कि एक ऑब्जेक्ट बनाना है विथ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट वैल्यू, तब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डीप कॉपीइंग। ये वर्ड आपको बाद में पता चलेगा कि डीप कॉपीइंग क्या होता है और शैडो कॉपीइंग क्या होता है, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर का जरूरत पड़ता है।
ऐसे अगर आप सी प्लस प्लस में कॉपी कंसेप्ट नहीं भी बनाते हो तो काम चल जाता है, लेकिन अगर काम कर आपको चाहिए कि नहीं हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक कंसेप्ट है जिसमें कहता है कि इसका आर्गुमेंट लिस्ट क्या होगा, इसके आर्गुमेंट में सेम टाइप का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होता है और डीप कॉपिंग में इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए तो हम इसको ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम इसको प्रोग्रामेटिकली समझ लेते हैं जो हम क्लास में नहीं कर पा रहे हैं। विंडोज सारे कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल हमको देखना है एक एक करके। चलिए तो हम न्यू प्रोग्राम बना लेते हैं अपना। न्यू प्रोग्राम फाइल में आते हैं, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हैश INCLUD include include STREAM डॉट एच, ठीक है। और उसके बाद हैश INCLUDE include stdio डॉट stdio की जरूरत है CONIONIO डॉट एच, ठीक है। अब चलिए हम बनाते हैं क्लास, हम एक क्लास बना रहे हैं। क्लास क्लास का नाम दे देते हैं stu और इसके डेटा मेंबर्स हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें हम दे देते हैं इंट टाइप का ROLL रोल और कैट टाइप का NM नाम रखने के लिए NM इसकी साइज मैंने दे दी 20, ठीक है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर, तो उसके लिए हमको डिफाइन करना है उसको पब्लिकली PUBLIC पब्लिक, ताकि इसके नीचे की सारी चीजें आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल हो सके। अब मैं बनाना है कंस्ट्रक्टर। तो देखो सबसे पहला चीज कंस्ट्रक्टर का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, DEFAULT डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखाते हैं सबसे पहले आपको। हम देखो सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखाना है, तो हम आपको दिखाएंगे अभी पब्लिक PUBLIC पब्लिक VOID void SHOW show, एक शो मेथड हमने शो फंक्शन हमने बना लिया। इस शो फंक्शन में हमको दिखाना है सिर्फ और सिर्फ शो में दिखाना है रोल और नाम क्या है। तो cout slash and stud student details details student details, फिर इसमें मैं बात देता हूँ स्लैश एन, और यहाँ पे चलो आपको मैं दिखाता हूँ क्या दिखाना है स्लैश एन। और उसके बाद सबसे पहले आपको दिखा दूंगा मैं स्टूडेंट का ROLL रोल स्लैश टी, और रोल में दिखाना है हमको डेटा, तो रोल का डाटा कहाँ से लाओ रोल से, ठीक है। सी आउट रोल हो गया, उसके बाद फिर से स्लैश एन नेम नेम स्लैश टी नेम का डाटा लो, तो नेम का डाटा कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो नेम का डाटा हम लोग को मिलेगा NM में, ठीक है। कहाँ गलती कर रहा है, एक एक्स्ट्रा हमने ये लगाया, ओके इसको बंद किया मैंने, क्लास का डिफिनेशन बंद किया क्योंकि सिर्फ शो बनाए हैं हम और कंस्ट्रक्टर अभी बनाए नहीं है। अगर आप चाहो तो चलो इसमें हम गेट भी बना देते हैं, PUBLIC पब्लिक VOID void GT गेट करना है हमको डेटा, तो गेट करने के लिए हम कर देते हैं सी आउट इंटर इंटर रोल आप रोल इंटर करो, ठीक है। किसमें चले जाओ सी सी इन ROLL रोल में चले जाओ, सी आउट इंटर नेम, इंटर नेम किसमें चले जाओ सी इन NM में चले जाओ। तो गेट और शो बना दिया मैंने, भी इसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, फिर भी आपको दिखाऊंगा यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। वॉइड से स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, वॉइड मेल वॉइड मेल, इसे मैंने ओपन किया CLR SCR क्लियर स्क्रीन, CLR SCR क्लियर स्क्रीन, क्लियर कर लिया मैंने स्क्रीन को। अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसका स्टूडेंट का, तो स्टू का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ OB। देखो
अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबी, अब कहता हूं ओबी डॉट एस एच ओ डब्ल्यू शो, ओबी एंड ओबी डॉट शो। देखना ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट बना या नहीं बना, तो गेट सी एच, रन करवा रहे हैं प्रोजेक्ट को। या भाई कोई कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया, आप ऊपर से देख लो कोई भी कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं बनाया है, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, और मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर की मदद से बनेगा, तो कंट्रोल एफ नाइन। ओके नॉट पब्लिक, पब्लिक डिफाइन ऐसे नहीं करना है, अभी मैंने पब्लिक लगा दिया है, जावा का कोडिंग कर देता हूं मैं कभी कभी। एस एच ओ डब्ल्यू एच एच ओ कंट्रोल एफ। देखो स्टूडेंट डिटेल्स में आपको क्या दिख रहा है, रोल नंबर कुछ से कुछ दिखा रहा है और नेम भी कुछ से कुछ दिखा रहा है, गार्बेज दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने नहीं बनाया है, तो आपने नहीं बनाया है कंस्ट्रक्टर, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ मेमोरी बनाया, ठीक है, वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है। लेकिन इसी जगह पर अगर इस कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन कर दें, ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये भी कंस्ट्रक्टर तुम नहीं बनाए हो, फिर भी कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, लेकिन अब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड, तो मैं इसको कहूंगा एसटीयू, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो सिर्फ नाम ये, और मैं कहता हूं कि इसमें इनिशियलाइज कर देना रोल इक्वल्स टू जीरो और एस टी आर सी पी वाई, एस टी आर सी पी वाई कॉपी कर दो, एस टी आर सी पी वाई कॉपी करो, किस में, एन एम में, क्या कॉपी करो, एन एम में कॉपी करो, नो नेम, नो एन एम ई नो नेम कॉपी करो। तो अब एस टी आर सी पी वाई किस में है, स्ट्रिंग में मिलेगा, तो स्ट्रिंग को लगाओ हैश आई एन सी एल यू टी ई इंक्लूड एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग डॉट एच एंड रन इट। अब देखो स्टूडेंट डिटेल, रोल जीरो और नेम नो नेम, हमने क्या किया है, सिर्फ यहां पर ध्यान दो, हमने क्या किया है यहां पर, यहां पर सिर्फ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और तो कुछ नहीं किया। लेकिन ऑब्जेक्ट जब बनाते हो तो अब जो कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि तुमने भी नॉन आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो मैंने वो बना दिया, तो जब मैं इसे बनाया हूं तो ये कॉल होगा एसटीयू वाला, ये वाला कोड एसटीयू कॉल होगा, और जब ये कॉल होगा तो पहले मेमोरी बनाएगा और मेमोरी बनाने के बाद उसका डाटा कॉपी कर दिया, तो दिस इज नॉन आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर जो मैंने बनाया है, और पहले जो प्रोग्राम मैंने रन करवाया था वो था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये क्या है, डिफॉल्ट नहीं है, ये है नॉन आर्गुमेंटेड, पहला प्रोग्राम डिफॉल्ट के लिए एंड दिस इज नॉन पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है, ये हो गया आपका नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बाकी अब इसके साथ आप गेट और शो तो कर ही सकते हो, आपकी मर्जी है, गेट को कॉल करो और शो को कॉल करो, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टर पे फोकस्ड हूँ। अब अगला कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊंगा इसके साथ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो एस टी यू, इसको मेरे को दो डाटा भेजना है, तो इस टाइप का मैंने इसको भेज दिया एक्स, और क्या टाइप का मैंने इसे भेज दिया, क्या टाइप का मैंने इसे भेज दिया, एन एम एन एम या एन, और साइज दे दिया मैंने इसे 20। अब क्या करना है हमें इसे बाबू, जो डाटा आया है उसे सेंड करना है, तो आर ओ एल एल रोल इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, और एस टी आर सी पी वाई कॉपी करो एन एम में, किसको, एन को कॉपी करो, ठीक है। अब देखो इसको कॉल करते हैं, तो अब ओ बी था ये, अब एक ओ बी को शो कर लिया मैंने, अब दूसरा बनाता हूं ऑब्जेक्ट एस टी यू टाइप का, एक ओ बी वन बनाते हैं, तो इसमें लेकिन हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, इसको बनाते समय ही वैल्यू सेट करना चाहते हैं, तो हम कॉल कर देंगे एक को, उसके बाद मैं इसको वैल्यू दे दूंगा आर ओ यू एन ए के रौनक कुमार एस एल जैसे, मैं इसे वैल्यू दे देता हूं रौनक के यू एम ए आर कुमार। तो अब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इस वैल्यू के साथ कॉल होगा, अब इसको शो करवाना है तो आप शो करवा लो ओबी वन डॉट एस एच ओ डब्ल्यू शो। अब देखो कंट्रोल एफ नाइन, पहला स्टूडेंट डिटेल आपको दिख रहा है क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना हुआ है ओबी, तो उसमें क्या दिख रहा है, जीरो नो नेम। दूसरा मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से बनाया है, देखो दिख रहा है उसके मेमोरी में कितना दिख रहा है, रोल नंबर एक और नेम क्या दिख रहा है आपको, रौनक कुमार, तो ये हो गया आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब है आपका तीसरा कंस्ट्रक्टर, जिस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या केस है, केस है मेरा कि एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है ऑब्जेक्ट उसी से दूसरा बनाना है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनता है एस
एसटीयू टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाना है और इसको एसटीयू का ही ऑब्जेक्ट भेजना है। तो एसटीयू टाइप का जो ऑब्जेक्ट भेजोगे रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर भेजो, मान लो इसको हम भेज देते हैं ओपी। और करना क्या है आपको कि जो रोल है उस रोल इक्वल्स टू ओबी डॉट आर ओ एल एल रोल, ओबी का रोल जो यहाँ ओबी भेजे हुए हैं। और उसके बाद जो आपका नेम है तो एस टी आर सी पी वाई कॉपी करो, किसको किस में कॉपी करना है, एनएम में कॉपी करना है, किसको कॉपी करना है, ओबी डॉट आर ओ एल एल सॉरी ओबी डॉट एनएम को कॉपी करना है। तो ये हो गया आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड। अब आप क्या करोगे, अभी मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया, अब चलो मैं तीसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एस टी यू टाइप का ओबी टू, लेकिन कहता हूं कि इसमें क्या करना, वैल्यू रख देना। किसका वैल्यू रख देना, तो ओबी वन का रख देना। किसका वैल्यू रखना, तो ओबी वन को कॉपी कर लेना। अब देखो शो करो तुम, ओबी टू डॉट एस एच ओ डब्ल्यू शो, ओबी टू डॉट शो। अब आप इसको कॉल करो कंट्रोल एफ नाइन। देखो दूसरे से कॉपी करके बनाए थे, तो पहला जो कॉल हुआ हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं नॉन पैरामीटराइज, उसमें मैंने जीरो नो नेम सेट किया था। दूसरा मैंने वैल्यू भेजा तो वन और रौनक, और तीसरा मैंने क्या किया ओबी वन को कॉपी किया हो, तो ओबी वन को कॉपी किया हो, तो देख रहे हो मेरे पास जो ओबी टू बन के आ रहा है उसमें भी सेम डेटा है। तो हमारे पास तीन कंस्ट्रक्टर हो गए, और प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने देख लिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो देख रहे हो हम इसको कंस्ट्रक्टर को कहीं से कॉल नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं कंपाइलर को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट बनाने की बात जब भी करोगे तो कौन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बात समझ गए, अब इस कोड को लिख लो, लिख लिए इस कोड को लिख लो बढ़िया से। उसके बाद हम तुमको दिखा रहे हैं इसका एक और एग्जाम्पल। हम शो नहीं करते, हम शो नहीं करते, हम एक भी शो नहीं करते, कोई शो नहीं, कोई शो नहीं, हम कुछ भी शो नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एसटीयू का ओबी। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कि नहीं हुआ अगर तुमको ये भी देखना है, तो देखो यहां पर हम एक बार लिख देते हैं सी आउट कंस्ट्रक्टर कॉल। पहले वो लिख लेना, उसके बाद इस पर रिसर्च करना, पहले प्रोग्राम बना लेना, ट्राई रन कर लेना, उसके बाद ये देखो क्या है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉट। ये सिर्फ देखना है आपको कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे कैसे, ऑब्जेक्ट जी ही कॉल हुआ ऑटोमेटिकली देखना, जबकि हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया हो, लेकिन वो मैसेज आएगा, देख रहे हो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल। तो बात समझ गए, ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया मेरा सेम वही तरीके से। मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं एसटीयू का ओबी वन, अब मैं कह रहा हूं इसमें भी लिख देता हूँ एसटीयू का ओबी वन, इसमें भी कह देता हूं कि कॉल करो सी आउट नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, अब देखो क्योंकि स्लैश एन नहीं लगा हुआ है, तो यहां पे आप देख सकते हो पहले नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल। सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट बनाने की बात की और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, हो गया। अगर तुम यहां पे कह रहे हो कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में भी ये देखो, अगर ये बनाते ना कॉपी कंस्ट्रक्टर में, तो ये भी देख लो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी, मैं भी वही लिख देता हूँ एसटीयू टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें कि कॉपी करने की ऑब्जेक्ट भेजना है आपको, तो यहाँ पे भेजता हूं मैं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। अब देखो तीनों में स्लैश एन लगा देते हैं, पहले स्लैश एन एंड कंट्रोल एफ। देखिए नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल, क्लियर। तो मैंने क्या बोला कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कब, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपके पूरे कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा का पूरा कोड आप अलग अलग करके लिख लो और बेहतर तरीके से समझ जाओ कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है और कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर के बारे में। थैंक यू।